नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा सौभाग्य है कि हमसे जुड़ रहे हैं भरत कामत जी, और एक कलाकार के तौर पर नहीं बल्कि एक परंपरा के तौर पर, कलाकार के तौर पर तो उनका अपना जो सफर है उस पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो उस परंपरा से जुड़े हुए हैं जो इस देश में तबले की सबसे सशक्त परंपराओं में जिसको गिना जाता है, जो शुमार है। सबसे पहले बेहद विनम्रता से मैं आपका स्वागत कर रहा हूं पंडित जी। नमस्कार जी, मैं आपको एक विनती करता हूं जी, कि आप मेरा मुझे पंडित जी मत कहिए, क्योंकि हमारे पिताजी कहते थे कि पांडित्य मतलब पंडित और उसकी वो पदवी लाने के लिए 12 जन्म लेने पड़ते हैं, और ये मुझे पता नहीं ये मेरा कौन सा जन्म है, इसलिए आप अच्छा रहेगा कि मुझे बस भरत बोलेंगे संबोधेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि मेरे लिए ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आप क्या, आप भरत जी बोल दीजिए बस। जी 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 बिल्कुल। तो चलिए भरत जी, आपका स्वागत है। और ये अभी जो बात आपने कही वो भी एक सहजता और आपके परिवार, आपके परंपरा, आपके पुरखों के संस्कार को बहुत अच्छी तरह दिखाती है। खैर, बिल्कुल बिल्कुल जी, बातचीत की शुरुआत करें अगर, तो सबसे पहला जो स्वाभाविक प्रश्न मैं पूछा करता हूं वो ये पूछा करता हूं कि आपकी शुरुआत कैसे हुई थी, लेकिन आपके बारे में आपके चाहने वाले, आपके सुनने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि आप किस परंपरा से आते हैं, तो मुझे लगता है कि हम उसी परंपरा से बातचीत की शुरुआत करते हैं जिस परंपरा का नाम है बनारस घराना, जिस बनारस घराने को मतलब ना सिर्फ सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है बल्कि जिसने देश को एक से एक बढ़कर कलाकार दिए हैं, चाहे फिर वो तबले की बात हो, गायकी की बात हो या उससे इतर भी। उस परंपरा से शुरुआत कीजिए भरत जी आप, और बताइए हमें उस सशक्त परंपरा के बारे में, अपने बचपन के बारे में। जी वैसे तो मेरे पिताजी पद्म विभूषण पंडित शांता प्रसाद जी के शिष्य रहे हैं, तो उनकी तरफ से ही ये मतलब बनारस घराने की जो तालीम मुझे मिली है वो पिताजी की वजह से मिली है। और 1964 में मेरे पिताजी ने गंडाबन
किया था पंडित शांता प्रसाद जी का, जब वो पुणे आए थे, तो तब से मतलब पंडित शांता प्रसाद जी का सहवास भी मुझे मिला और मैं उस घराने से जुड़ गया, मतलब वही बात है। और सिर्फ 5 साल उम्र थी आपकी, तो 5 साल में आजकल बच्चे बस प्ले स्कूल को पार कर रहे होते हैं, जब आपकी उंगलियां तबले पर चलना शुरू कर चुकी थीं, तो ये जी सिर्फ एक मतलब अब हालांकि याद करना बड़ा मुश्किल होगा उतने बचपन की बात को, लेकिन माँ ने पिताजी ने बताया जरूर होगा ये किस्सा, कि वो सिर्फ अट्रैक्शन था या पिताजी को देखते थे कि लगातार उनका रियाज चल रहा है, शिष्य सीख रहे हैं, ये जी शुरू कैसे हुआ था? तबले पर पहला हाथ क्या बताते हैं घर वाले, कब पड़ा था, कैसे पड़ा था, बदमाशी में पड़ा था या वाकई सीखने के लिए पड़ा था? नहीं, वाकई सीखने के लिए पड़ा था, क्योंकि उसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बता दूं कि मेरे पिताजी पंडित चंद्रकांत कामत जी भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी के साथ बहुत साल बजाते थे, मतलब 25 साल उन्होंने उनके साथ बजाया। तो मैं जब जब मैं 1.25 साल का था, तब से मैं उनके साथ, वो मुझे लेके जाते थे, मतलब ये तो मुझे याद नहीं है लेकिन उन्होंने बताया कि वो 1.5 साल का मैं था और मैं उनके साथ प्रोग्राम में जाता था, प्राइवेट प्रोग्राम जो होते थे, तो वो जब बजाते थे तब मैं उनके नीज मतलब यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, सोया हुआ हूँ, मतलब वो जो संस्कार मुझे मिले हैं बचपन से गाने के और बजाने के, तो पंडित जी हमेशा कहते थे कि आप इसको क्यों ला रहे हैं, तो मेरे पिताजी कहते थे कि वो यही तो शिक्षा है कि बचपन से ही उनके ऊपर वो संस्कार होने चाहिए संगीत के। तो तब से मेरा वो संगीत से जुड़ना हुआ, और जब मैं 5 साल का था, उससे पहले ही मैं, मतलब बच्चा जब बैठना शुरू करता है, हाँ 1.5 साल का होगा तो बैठना शुरू होता है, तो तब से मेरे पिताजी ने मेरे हाथ में तबला थमा दिया था, मतलब वहां में तो वैसे ही कुछ बजाना है। और मुझे याद है 5 साल का मैं था, 1972 में, मैं और मेरे बड़े भाई सुभाष कामत, वो भी तबला प्लेयर हैं, तो हम दोनों ने पंडित विनायक बुआ पटवर्धन जी के सामने हमारा सोलो परफॉर्मेंस पहले दिया था, और वो बात है 1972 की, वो बहुत मुझे याद है क्योंकि वो सोलो सुन के पंडित जी ने खुद हमें आशीर्वाद भी दिए और हमें 5 रुपए बख्शीश के रूप में दिए थे, मतलब वो 5 रुपए जो आशीर्वाद रूपी 5 रुपए जो हैं, वो ही हमारी पूरी जिंदगी को काम आ गए, ऐसा मेरा मानना है। और तो तब ये से जी 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 आप अपनी बात रखिए। नहीं, तब से वो सिलसिला शुरू हुआ और वो जो संस्कार मिले थे पहले से ही पिताजी के, और मेरे दादाजी, मतलब वो कहना चाहिए उनका जिक्र कि मेरे दादाजी मास्टर शांताराम कामत, जो बाल गंधर्व जी और मास्टर दीनानाथ के समकालीन आर्टिस्ट थे, और उनके बहुत से 78 RPM रिकॉर्ड्स, 3-3 मिनट के जो होते हैं, वो संगीत मराठी संगीत नाटक में एक्टर थे और वो बहुत बड़े गायक भी थे, तो उनकी HMV ने 50 गानों की रिकॉर्ड्स उन्होंने की हुई है, और वो मेरे पास, मैंने जतन की है, वो मैंने YouTube पे भी डाला है, अगर आप मास्टर शांताराम कामत ऐसे YouTube पे टाइप करेंगे तो उनके पूरे रिकॉर्ड्स उसमें आ जाएंगे, वो मराठी ड्रामा के हैं, और उसका पूरा म्यूजिक जो है वो गोविंद राव टेम्बे जी, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे उस जमाने के, उनका म्यूजिक है, और माधवराव जोशी करके नाटककार थे, तो उन्होंने वे सब नाटक लिखे थे, उसमें वो स्त्री पार्ट करते थे, मतलब स्त्री भूमिका ज्यादातर करते थे, मतलब वो ट्रेडिशन चली आ रही थी। और उनके पिताजी जो जो मेरे परदादा थे, वो गोवा में बहुत बड़े कीर्तनकार थे, मतलब वो ट्रेडिशन हमारे घर में वैसे ही चली आई, और पिताजी पिताजी का भी जन्म हुआ है वो नाटक कंपनी जब धुलिया करके, वहां पे महाराष्ट्र में जो गांव है, तो उस समय ऐसे होता था जैसे सर्कस हमने देखी है कि एक सिटी में वो 2-3 महीना रहती है,
उस टाइम वैसे न संगीत नाटक कंपनी जो होती थी वो 6-6 महीने एक गांव में रहती थी, क्योंकि पिता पिताजी से हमने बहुत बार वो जिक्र सुना है कि वो 6 महीने वो ग्वालियर में थे जब उनकी नाटक कंपनी थी। तो वैसा उनका पूरा बचपन वहीं पे गया, तो वही संस्कार हमें भी मिले। और मेरे पिताजी आकाशवाणी पुणे में एज अ स्टाफ आर्टिस्ट तबला प्लेयर थे, मतलब 36 ईयर्स उन्होंने वहां पे नौकरी की, सर्विस की, और उस उसकी वजह से उनको बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ, बहुत बुजुर्ग आर्टिस्ट के साथ उनको बजाने का मौका मिला आकाशवाणी की वजह से, और फिर बाहर जो बहुत घूमे इसकी वजह से। मतलब मुझे याद है एक भी आर्टिस्ट ऐसा बाकी नहीं रहा कि जिनके साथ उन्होंने बजाया नहीं बजाया। मतलब मैं आपको कुछ नाम बताऊं तो वो बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन अगर लिस्ट देखा जाए तो बेहरे बुआ, पांते पाद्य बुआ, मीराशी बुआ, अंतु बुआ, फिर बाद में ये सब विनायक बुआ पटवर्धन, नारायण राय व्यास, बेगम अख्तर जी, फिर श्रीधर पारसेकर जी वायलिन प्लेयर, फिर बाल गंधर्व जी खुद, फिर भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी, वसंतराव देशपांडे जी, गिरजा देवी जी, कुमार जी, मंसूर जी, अभिषेकी जी, फिर मालिनी राजुरकर जी, बहुत सारे, मतलब हीराबाई बड़ोदेकर के साथ पिताजी ने बहुत साल बजाया, उनके मराठी ड्रामा संगीत नाटक जो थे वो भी उन्होंने बजाए, विनायक बुआ पटवर्धन जी के साथ बहुत बजाया। मतलब ये मुझे याद है घर में आर्टिस्ट लोगों का आना जाना इतना था, तो वो सीख हमको मिली, और बचपन से इतने बड़े आर्टिस्ट को उनका सहवास मिला, उसकी वजह से ये सब, मुझे लगता है कि ये मतलब मैं अपने आप संगीत में आ गया। मैं अगला सवाल जो पूछने जा रहा था, लगभग आपने वहीं पर आकर बात खत्म की है अपनी। जब इतने बड़े बड़े कलाकार, मतलब मुझे लगता है कि शायद अभी बातचीत शुरू हुए हम लोगों को 7-8-10 मिनट हो रहे होंगे, और आपने पूरी की पूरी भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि पीढ़ी को समेट दिया पिताजी के, पिताजी ने जिन लोगों के साथ, यानी उनके समकालीन जो बड़े कलाकार थे उनके साथ, जिनके साथ उन्होंने संगत की है, उनका नाम लेकर, मतलब जी, हरिप्रसाद जी के साथ बिल्कुल बजाया, कार्तिक कुमार जी के साथ बजाया, श्रीधर पारसेकर जी, एन राजम जी, कौन बिल्कुल नहीं रहे। और बिल्कुल सवाई गंधर्व फेस्टिवल में वो 52 ईयर्स उन्होंने बजाया, बहुत बहुत बड़ी बात बड़ा है, स्पैन बिल्कुल 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 बहुत बड़ा स्पैन है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है भरत जी, कि जब जी आप जो बात, जहां पर आपने पिछले जवाब को खत्म किया था कि जी कलाकारों का आना जाना घर में, और कई बार जब इस तरह के कलाकार हैं, और जैसे उदाहरण के तौर पर मंसूर जी ही थे, मल्लिकार्जुन मंसूर जी ही थे, वो तो कहते हैं कि जी गाना गाते गाते बहुत जब मस्त हो जाते थे तो कहते थे कि आप लोग को मजा आ रहा है, ये मैंने सुना है, पता नहीं ये सही है या जी नहीं, तो ये कहते थे आप बिल्कुल लोग सही को है, मजा आ रहा है ना, मैं जरा एक बीड़ी पी के आता हूँ फिर आगे गाऊंगा। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो ऐसे कलाकारों को जब आपने बचपन से देखा और उन उन कलाकारों का आशीर्वाद मिला, उनके बगल में बैठने का सौभाग्य मिला, आपको जी लगता है कि ये एक ऐसी यूनिक अनोखी योग्यता है जो बहुत बिरले मिलती है? मतलब ऐसे बड़े बड़े कलाकारों को आप बचपन में 5-6 साल की उम्र से देख रहे हैं, उसमें से किसी ने कभी बुला भी लिया, कहा हाँ भाई क्या सीख रहे हो, क्या बजा रहे हो, जरा ये बजा के दिखाओ, जरा वो बजा के जी दिखाओ, जरा ये देखा, जी ये सुनो, इनको सुनो, ये करो वो करो, मतलब आपके पास तो खजाना है उस अनुभव का, उस खजाने से कुछ जी शेयर कीजिए। आपने बात कही कि मुझे योग्यता, मेरी योग्यता नहीं थी, फिर भी मुझे वो सहवास मिला है, क्योंकि मैं बहुत छोटा था तब। मतलब ऐसे बहुत से किस्से हैं कि पंडित बसवराज राजगुरु जो धारवाड़ से थे, वो हमेशा पूना पे आते थे और हमारे घर में आते थे, और बहुत सारी ये सब्जियां लेके आते थे, और मेरे माताजी को वो कहते थे पूरा खाना बनाइए, और वो खुद हमारे घर में रहते थे। ऐसे ऐसे बहुत, मतलब आजकल वो दिखता नहीं है, आना जाना और आदान प्रदान जो मैंने मतलब भीमसेन जी का और विलायत खां साहब जी का, मतलब ये मैं आगे की बात करता कर रहा हूँ,
कोलकाता हम लोग जब हमेशा भीमसेन जी के साथ जाते थे, तो विलायत खान साहब के साथ उनकी दिन भर की संगीत के ऊपर चर्चा मैंने सुनी है, ये बहुत मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मतलब आप इमेजिन कीजिए, मैंने 18 साल भीमसेन जी के साथ, मुझे बजाने का मौका मिला और ये मेरे ये इट्स अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। मतलब वो मैं आपको एक किस्सा बता दूं कि वो शुरुआत कैसे हुई, या आगे वो प्रश्न आना है, मुझे पता नहीं नहीं है नहीं क्या बिल्कुल है। आप बताइए, बल्कि और दो चार जी किस्से जो ऐसे हैं जरूर बताइए, इन कलाकारों को समझने के लिए खिड़की खुलेगी आपके बहाने। जी 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 मेरा सौभाग्य रहा 1988 में पहली बार मैंने सवाई गंधर्व में परफॉर्म किया, पंडित माधव गुड़ी जी जो भीमसेन जी के शागिर्द थे, तो उनके साथ मैंने पहली बार बजाया और वो संगत सामने बैठ के भीमसेन जी ने सुनी। तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद पंडित जी अंदर आए और मेरे पिताजी को कहने लगे कि भरत के हाथ में जो वजन है वो मुझे चाहिए, मतलब वो आपकी अगर परमिशन है तो मैं उनको संगत के लिए लेना चाहता हूँ, जो वजन उसके हाथ में है, मतलब जो वजन मुझे चाहिए वो उसके हाथ में है, ऐसा उनका सेंटेंस था, और आपकी परमिशन हो तो मैं इसको मेरे साथ प्रोग्राम के लिए लेके जाना चाहता हूँ। तो पिताजी तो वही मतलब इसी वाक्य की वो राह देख रहे थे कि ये वो कब पूछेंगे और मैं आपको कब उनके उनके चरणों में समर्पण करूँ, ऐसा वो तो भाव था। तो मतलब ये मेरा टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। फिर 89 से उनका लास्ट प्रोग्राम सवाई में 2007 में हुआ, तब तक मैंने उनके साथ भारत में और भारत के बाहर बहुत सारे प्रोग्राम, मैं आपको बिल्कुल उसका आंकड़ा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास वो आंकड़ा है लेकिन वो बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सैकड़ों प्रोग्राम मैंने बजाए और उनसे मेरा, मैं बिल्कुल मतलब मराठी में उसको श्रीमंत कहते हैं, मतलब मैं समृद्ध हुआ, मेरा लाइफ पूरा बन गया, सांगीतिक लाइफ मेरा उनकी वजह से बन गया, लोग मुझे अरे भीमसेन जी का संगतकार ऐसे क्या देख के वो मुझे जानने लगे, और वो खुद भी मेरा जब परिचय करवाते थे तो वो ऐसे कहते थे वो मेरे साथ जो बजाता है, मतलब एक किस्सा मैं आपको इसके बारे में बताऊं कि सवाई में 94 में शोभा गुरु जी गाने वाली थी और मुझे सुबह पंडित जी ने फोन किया कि शोभा गुरुटो के साथ आपको आज सुबह शाम को रात को बजाना है सवाई में, तो मैंने कहा मैंने उनके साथ कभी बजाया नहीं है, तो उनका कॉन्फिडेंस मतलब उनको कॉन्फिडेंस था कि मैं बजा सकता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि अरे यार मैं हूं ना, आप क्यों घबरा रहे हो, मैं आपके साथ हूँ तो आप बिल्कुल बजाएंगे। तो ग्रीन रूम में शोभा जी आई और उन्होंने पंडित जी से पूछा कि मेरे साथ कौन बजाने वाला है, तो उन्होंने कहा कि ये वो हाथ भी मुझे अभी भी सामने दिख रहा है कि वो कह रहे थे कि मेरे साथ जो बजाता है वो मैं आपको दे रहा हूँ, तो शोभा जी ने कहा मतलब उसका तो कोई मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आप कह रहे हैं ये इसके साथ गाना है तो मैं बिल्कुल गाऊंगी, और मैंने फिर उनको बताया कि मेरे पिताजी का नाम बताया और पिताजी ने आपके साथ बहुत साल बजाया है, तब तो वो कोंकणी भाषा में, क्योंकि मैं गोवा से हूँ हम लोग, तो वो कोंकणी में बोले यार ये तो बहुत अच्छा हो गया, चलो स्टेज पे चलते हैं, मतलब ये जो कॉन्फिडेंस देना मतलब आप देखो कि जब मैं पंडित जी के साथ बजाने का सिलसिला शुरू हुआ तब मैं सिर्फ 21 साल का था और भीमसेन जी इतने बड़े थे, मतलब उम्र से भी और ज्ञान से भी और इतने बड़े आर्टिस्ट, फिर भी वो मेरे इतने छोटे बच्चे के साथ वो गाने की इच्छा रख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए और सबके लिए, सबके लिए वो ये आश्चर्य था बाकी लोगों के लिए, लेकिन मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात थी, और उन्होंने कभी मुझे मतलब मैं क्या कहूँ कि वो ऐसा कभी उन्होंने अपने बॉडी लैंग्वेज में कभी दिखाया नहीं कि मैं इतना बड़ा हूँ तुम इतना छोटे
छोटे हो, मैं तू मतलब आप मेरे साथ कैसे बजाओ, ऐसा टेंशन कभी दिया नहीं, हमेशा मुझे संभाल के ले लिया, और जो कॉन्फिडेंस देना था वो दे दिया। और मुझे एक ऐसा हुआ कि पिताजी जब बजाते थे भीमसेन जी के साथ, तब मैं हमेशा उनके पीछे बैठा हुआ था स्टेज पे, तो वो मुझे उसकी आदत भी हो गई थी। मतलब वो स्टेज फियर जो होता है वो कभी हुआ ही नहीं भगवान की दया से। तो मतलब वो सिलसिला 2007 तक वैसे ही चला रहा, और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय ही नहीं है भरत जी की, मतलब। जी और बात जो भी आपने कही कि पिताजी के साथ जब पिताजी संगत करते थे, उस वक्त मंच पर बैठना और इतने करीब से चीजों को देखना, महसूस करना, जी आपकी बातचीत से मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे के पूरे आपके सफर में, जी मतलब तबले के प्रति जो समर्पण है, जो साधना है, वो तो एक जी तरफ है ही है, लेकिन इन बड़े कलाकारों के प्रति जो आपका समर्पण और आपका सम्मान का भाव दिख रहा है, निश्चित जी तौर पर ये बिल्कुल बहुत बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई होगी। मतलब पिताजी ने बहुत प्यार से बिठा के समझाया होगा कि बेटा, बड़ा कलाकार बनना है या अच्छा कलाकार बनना है तो सहजता सीखना, सहज रहोगे तो सब कुछ अच्छा है, वरना फिर कुछ भी कर लो वो बात नहीं आएगी। सहजता वो तो पिताजी की कहते दी हुई है। थे, नहीं वो कहते थे झुकना सीखो, पहले पहले झुकना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कलाकार बनना है तो झुकना चाहिए। और आपको अगर वो बातें बहुत सटल बातें उन्होंने कही थी कि आकर आप संगतकार के लिए, मतलब तबला संगतकार के लिए तीन बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बात है बंधन, दूसरी बात है बंधन, और तीसरा भी बंधन। क्योंकि हम जब स्टेज पे बैठते हैं किसी गाने वाले के साथ या कि कोई भी, हम लोग संगत के लिए, पहले तो हम लोग संगत के लिए बैठे हुए हैं, इसका ध्यान देना चाहिए। और वो उन्होंने कहा था कि गाने वाले के अंदर उसके मन में क्या चल रहा है वो हमको पता होना चाहिए, वो हमें जानना चाहिए, वो हमें जानना आना चाहिए। मतलब उसको क्या कहना है आज, उसको कौन सी लय देनी है, या वो नजर से पता चलती थी। मतलब ये अनुभव से आता है, पहले बार कभी आता नहीं। तो पिताजी का कहना था कि अगर आप संगत के लिए बैठे हुए हैं, और वो कहते थे कि गाने के साथ जब बजाते हो तब गाने वाले के सब बोल आलाप लयकारी बोल तान हम लोग बजा सकते हैं, लेकिन बजानी नहीं है, वो बंधन हमें रखना पड़ता है। हम लोग उनकी तान बजा सकते हैं, हम लोग उनकी लयकारी बजा सकते हैं, हम लोग उनकी सरगम बजा सकते हैं, लेकिन ये हमें कोई लड़ाई करनी नहीं है स्टेज पे ना। तो मतलब वो मेन आर्टिस्ट है और हम लोग संगत के लिए बैठे हैं, तो ये हमेशा ध्यान में रहना है कि वो जो सीना बसीना जिसको कहते हैं कि मराठी में उसको कहते हैं, वो कहते थे कि काय तुझा मनात सांग माझा कानात, मतलब उसके मन में क्या चल रहा है वो हमें पहचानना है, और वो स्टेज पे होता है। क्योंकि गाने वाले क्या गाने वाले हमको पता ही होता नहीं, ग्रीन रूम में कुछ होता ही नहीं। भीमसेन जी की एक खासियत थी कि वो ग्रीन रूम में अलग राग गाते थे, हाँ, और स्टेज पे जाके दूसरा गाते थे, वो हमेशा होता था। मतलब ये अलर्टनेस हर रोज आने इम्तहान के, होता था। बहुत मतलब हर अभी भी होता है इम्तिहान, तो रोज हमें है, हर 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 किसी आर्टिस्ट के साथ, मतलब वो छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि रोज परीक्षा है ही हमारी। क्योंकि आज वो कौन सी लय देंगे वो हमें पता ही नहीं होता है, तो फिर वो उनकी उनका जो मुखड़ा होता है, मतलब उनकी कहन जो होती है, शुरू में अगर रागदारी में पहले आलापी होती है, उसके बाद वो जो बंदिश गाएंगे उसका जो मुखड़ा होगा, तो उसके मुखड़े की जो कहन होगी, तो वो कहन किस लय में वो डालते हैं, उससे हमें हमें पता चलता है कि अभी कौन सी लय देनी है, मतलब दूसरी मात्रा कब देनी है, वो हमें अब बिल्कुल तुरंत पता चलता है। जैसे कि मैं उदाहरण दूं कि सचिन तेंदुलकर जी को बॉलर कौ अभी जो बॉलर आ रहा है और वो कौन सा बॉल डालना है और वो कहाँ ऑफ में जाना है, लेग में जा रहा है, वो उनको पहले ही पता चलता है।
वैसे ही बहुत उसके लिए परीक्षा होती है और उसके लिए मेहनत होती है, उसके लिए अनुभव होता है, तभी पता चलता है कि आज गाने वाले की लय कौन सी होगी और वो कौन सी लय देगा और कौन से ताल में गाएगा। ताल में गाना है तो सिर्फ ऐसे उंगलियां देखा जाए, अगर एक ताल है तो एक ताल, तीन ताल हो तो तीन ताल, जप ताल है तो बस ऐसे करते 10 मात्रा दिखाते हैं। मतलब ये अनुभव से होता है, बहुत साल आप किसी के साथ अगर बजा रहे हैं और अपना ट्यूनिंग जब होता है तो ये अनुभव से होता है, लेकिन वो जब आप पहली बार बजाते हो तब नहीं होता है। एक बात मैं कहना भूल गया कि भीमसेन जी के साथ बजाने से पहले मेरा एक्चुअली करियर, मतलब एज एन प्रोफेशनल आर्टिस्ट, एज एन व्यावसायिक तबला वादक जिसको हम लोग कहते हैं, मेरी शुरुआत हुई पद्मश्री पंडित जितेंद्र अभिषेक जी के साथ। 1987 से मैंने उनके साथ बजाने का शुरुआत किया और मेरा पहला प्रोग्राम पूना में उनके साथ मैंने बजाया। बहुत साल मैंने उनके साथ बजाया क्योंकि मेरे बड़े भाई सुभाष बहुत उनके साथ बजाते थे, लेकिन उस समय सुभाष मालिनी तई राजूरकर जी, जसराज जी, एन राजम जी और प्रभाकर कारेकर जी, बहुत लोगों के साथ वो बहुत बिजी रहते थे। तो अभिषेकी बुआ ने सुभाष को कहा कि यार तुम मुझे मिलते ही नहीं हो, तो सुभाष ने पंडित जी को कहा कि मेरा छोटा भाई भरत है, वो भी बजाता है, आप उनको एक बार लेके देखिए। तो एक बार उन्होंने मुझे लेके लिया और मैं वहां पे चिपक गया। तो और मुझे एक एक किस्सा याद है, मैं आपको प्लीज बताऊं संगत के बारे में, कि एक तो ये यंग ब्लड होता है और हमें भी एक होता है कि हम भी बजाएंगे, कुछ करके दिखाएंगे स्टेज पे। तो कोई राग चल रहा था और बंदिश जो गा रहे थे द्रुत बंदिश में, तो मैंने वो घुस के कुछ बजा लिया। हाँ, तो पंडित जी ने मुझे स्टेज पे डांटा, थोड़ा मराठी में कहा, वाट्टेल ते वाजवू नका, मतलब कुछ भी मत बजाओ, अगर बजाना है तो कुछ ढंग का बजाओ। तो वो मेरे दिमाग में बैठ गया मतलब मैंने उनको कुछ कहा नहीं। घर में आने के बाद मैंने ये किस्सा पिताजी को बताया कि आज ऐसा ऐसा हुआ कि मैंने जो बजाया और वो बजाने के बाद मुझे वो डांट पड़ी स्टेज पे। तो पिताजी ने मुझे पूछा कि मुझे वो कौन सा राग वो गा रहे थे वो बताइए, वो बंदिश क्या थी, वो बंदिश के शब्द क्या थे और वो राग का भाव क्या था, वो क्या गा रहे थे और आपने क्या बजाया, वो मुझे करके दिखाओ। तो मैंने वो गा के दिखाया और फिर मैंने क्या बजाया वो मैंने बजा के दिखाया। तो बेटा जी ने कहा, ये बिल्कुल सही है, आपको डांट पड़नी थी, आपको वहां पे बजाना ही नहीं था, आपको घुसना ही नहीं था। तो मतलब ये जब अनुभव मिलता है किसी आर्टिस्ट के साथ 10-12 साल बजाने के बाद पता चलता है कि उनको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो मतलब ऐसी ही सीख होती है कि स्टेज पे बिरजू महाराज जी हमेशा कहते थे, आपने कभी सुना होगा उनके बहुत से वीडियोस है, वो कहते थे गलतियां तो होनी चाहिए और स्टेज पे होनी चाहिए, अगर आप गलती नहीं करोगे तो आगे कैसे जाओगे। बिल्कुल। और आपने पंडित जितेंद्र अभिषेकी जी का नाम लिया, वो भी अपने आप में भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक संत की कवि बहुत बड़े वाले कलाकार, कलाकार बहुत थे। लेकिन मैं इतना मजा आ रहा है भरत जी बात करने में, किससे सुनने में, कि मैं एक काम करता हूँ, मैं सब्सक्राइबर्स को बस इतना बता देता हूँ कि आप ने भीमसेन जोशी जी के किससे सुने, लेकिन भरत जी ने, आप चाहे जसराज जी का नाम ले, मालिनी जी मालिनी ताई का नाम लिया ही अभी उन्होंने, जी किशोरी जी का जी नाम किशोरी ले लें, यानी किशोरी अमोनकर जी का नाम ले लें, वीणा शाह ताई जी के साथ का मैंने, नाम ले लें, हाँ इतने किशोरी ताई कलाकारों के के साथ साथ भरत जी मैंने ने बजाया है। तो अब हम एक काम जी करते हैं, मंच आप ही के जिम्मे है, आप इन सबके साथ के जो जो अच्छे मजेदार किस्से आपको याद आते हैं आप शेयर कीजिए, हम बड़े आराम से सुन रहे हैं। जी मैं एक किस्सा मैं आपको बताऊं, भीमसेन जी के साथ तो बहुत सारे किस्से हैं तो मुझे रात भर बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो 18 साल का अनुभव है तो वो 1 घंटे में कथन करना बहुत ही मुश्किल है। मतलब मैं आपको बताऊं कि अगर आप अगर हिमालय के सामने खड़े हैं और आपको कहना है कि हिमालय का वर्णन एक शब्द में कहिए तो वो कैसे होगा, वैसे ही भीमसेन जी के साथ है, अगर उनके बारे में कुछ कहना है तो मतलब 1 घंटे में नहीं होगा वो। क्योंकि क्योंकि मैंने
मतलब मेरी पूरी जिंदगी उनके साथ, मतलब वो जो मेरा 18 साल मैंने उनके साथ बिताए हैं, मतलब उनका मेरा सिर्फ स्टेज पे नाता नहीं था, उनका मेरा जर्नी में, वो खुद गाड़ी चला रहे हैं, मैं बाजू में बैठा हूँ, ऐसे हजारों किलोमीटर हमने जर्नी किया है। जब वो गाड़ी चलाते थे तब वो गाते भी थे, और उनके उनके जो पुराने किस्से थे वो बताते थे, मतलब वो हमेशा बताते कि आमिर खान साहब से मैंने क्या लिया, या फिर केसर भाई के गाने से मैंने क्या चुराया, या फिर इनका मुगू भाई कोरोडीकर जी के गाने से मैंने क्या चुराया। वो हमेशा कहते थे कि गायक या कलाकार उत्तम चोर होना चाहिए। वो हमेशा कहते थे कि दूसरे के गाने से, मतलब उनकी जो परफॉर्मेंस होती है या उनका जो उनकी जो विद्या है, तो उनकी नकल तो बिल्कुल नहीं करनी है, लेकिन उनके अच्छे चीजें हम चुरा सकते हैं और अपने गाने में वो ढाल लेते हैं, और अपना एक अपना अलग सा वो रसायन बनाते थे गाते समय। मतलब आपको लगेगा ये क्या, अरे ये जगह जो अपनी गाई है अभी, वो आमिर खान साहब की है, वो कहते थे कि ये आमिर खान साहब से मैंने लिया है, लेकिन वो अपने खुद की आवाज से उन्होंने वो प्रेजेंट किया, कभी किसी का नकल नहीं की। वो कहते थे नकल करना बहुत आसान है, लेकिन नकल को असल में ढालना बहुत मुश्किल बहुत ही मुश्किल है। तो वो जो किस्से मैंने उनसे सुने हैं, बहुत किस्से हैं कि पुराने लोग कैसे गाते थे, या फिर उनका और केसर भाई का कैसा एक सहवास हुआ जर्नी में, ट्रेन के जर्नी में। वो एक रिकॉर्डिंग भी आप वीडियो जरूर देखिएगा, एक ही बोगी में केसर भाई और भीमसेन जी जर्नी कर रहे हैं, और वो किस्सा उन्होंने मराठी में बताया है। अगर आप पंडित भीमसेन जोशी यूट्यूब पर टाइप करेंगे तो वो दो वीडियो आपको सुनने जरूर मिलेंगे, कि वो किस्सा उन्होंने बताया है कि वो क्या हुआ था। तो वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप जरूर देखिए, क्योंकि वो उनके मुंह से सुनना ही ज्यादा अच्छा है। किशोरीताई के बारे और में आप बता रहे थे, काफी समय आपने बजाया है, उनके भी कुछ किस्से सुनाइए हमें। किशोरी ताई के साथ, हाँ जी, किशोरी ताई के साथ 15 साल मैंने बजाया, और मुझे पहले प्रोग्राम में जब मैं पहली बार बजा रहा था, तो उन्होंने मुझे पूछा, वो हमेशा बाल, मतलब मराठी में किसी को अगर संबोध करना है तो हम लोग कैसे हो यार, हम लोग यार बोलते हैं, लेकिन वो बाल बोलती थी, कसायस बाल, मतलब मराठी में जो बोलते हैं कसायस बाला। तो वो कहते थे कि बाल अगर 3 ताल की मात्रा कितनी है, तो मैंने कहा 16। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं 17 दे दूं तो क्या करोगे तुम, तो मैंने कहा मैं भी 17 दूंगा। तो उन्होंने कहा मुझे शाबाश की दे दी। मैंने उनका कहना था कि अगर गलती से मैं 17, मेरे से गलती होगी नहीं कभी, फिर भी गलती अगर हो ही, अगर कुछ गाने के ध्यान में अगर मैंने 16 के बजाय 17 मात्रा दे दी, तो आप मुझे एक्सपोज मत करो कि आप भी 17 दे दो, मतलब लोगों को पता नहीं चलेगा कि कहीं मेरी चूक हुई है। तो मतलब वो ऐसे बेमालूम मतलब होना चाहिए, वो जो संभाल लेना है वो किसी को पता नहीं चल रहा है, ऐसे एडजस्टमेंट होना चाहिए। ये बहुत बात बड़ी बात है, ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन वो मेरी पहली परीक्षा थी कि 3 ताल की मात्रा कितना है, 16 है, अगर मैं 17 दे दूं तो आप क्या करोगे। तो भरत जी, और जी जी आप बताइए। जी नहीं, उनका उनका मतलब एट द एज ऑफ 87 लास्ट प्रोग्राम जो उनका 24 अप्रैल, नहीं सही, 24 मार्च, सॉरी 2017 जो लास्ट दिल्ली का प्रोग्राम हुआ भीलवाड़ा ग्रुप का, मतलब एट द एज ऑफ 87 उनकी जो सांस थी वो बिल्कुल 8 मात्रे की एक सांस थी, लास्ट अंत तक वो जब गाती थी, तो बहुत मुश्किल बात है, इतना बड़ी सांस और आवाज तो ऐसे मेंटेन की थी उन्होंने, कमाल की। आप जरूर सुनिएगा वो, मैं सब जो भी ये हम जो भी ये मेरे इंटरव्यू सुन रहे हैं,
वो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि किशोरी दाई का लास्ट प्रोग्राम आप जरूर सुनिए, उसमें उन्होंने जो कौसी कानाडा गाया है वो कमाल का है। मतलब वो कौसी कानाडा का दर्शन जो उन्होंने करवाया है वो अनबिलीवेबल है। मतलब मैं ये इसका वर्णन नहीं कर सकता, आप सुनिए कि वो क्या है। और मैंने पूरा सीधा ठेका उनको बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि बीच में कुछ बजाने की जरूरत ही नहीं है। उनका वही कहना था कि जब आप ख्याल के साथ बजाते हो तो बीच में कुछ भरना करने की जरूरत भी नहीं है। तो और धा आ धिन तो दो धा धिन, तो इसमें ये दो मात्रे का जो अंतर है वो मुझे बाएं का काम करना है, और वो अगर मैं नहीं करूंगा तो बीच में भरना पड़ता है। धा टक धिन 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 धा। ये तो अब अगर शुरू में गाने से के साथ अगर हम लोग बजा गए तो वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा ना। मतलब पहली आवर्तन से अगर मैं ऐसे बजाने लगूंगा गाने के साथ, तो वो जो ख्याल का मतलब क्या है कि वो जो दिमाग से आने वाला है गाने आर्टिस्ट के साथ, मतलब उनकी तरफ से जो आएगा दिमाग से, वो उनका जो ख्याल है अगर मैं उसको ब्रेक कर दूं तो वो पूरा गाना चौपट हो जाएगा। तो उनकी जो बातें हैं वो स्पॉन्टेन, एक तो वो स्पॉन्टेनियसली इतना गाती थी, क्योंकि उनका रटा हुआ गाना होता नहीं था कभी। मतलब आप कभी भी देखिए उनका जितने भी भूप यूट्यूब पे हैं वो सब अलग अलग है, बिल्कुल एक स्ट्रक्चर तो सेम सबका होता ही है। मतलब मानो, मान लो आप इतना पीच है, मतलब मैदान जो है अगर क्रिकेट की भाषा में बोलेंगे, जितना भी पीच होता है तो वो जितने का हर एक आर्टिस्ट का पीच होता है, लेकिन आज उसमें बैटिंग आज कैसी करनी है वो अलग होता है ना सर। मतलब आज का यमन और कल का यमन, उसमें फर्क होना ही चाहिए। वो रटा हुआ गाएंगे तो फायदा नहीं है। बिल्कुल। और भरत जी, हमने बात तो आपसे की, लेकिन आपके साथ बातचीत करके जिन कलाकारों को आपने एकदम आंख के सामने, ऐसा लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि जी जरूर सुनिएगा। मैं ये इंटरव्यू खत्म होने के बाद सबसे पहले जा रहा हूँ ये किशोरी ताई को ही सुनने। बहुत बहुत धन्यवाद लाभ और जी, बहुत सारी शुभकामनाएं कि ये सहजता कायम रहे, और इन तमाम कलाकारों का जो आशीर्वाद है आपको, वो यूं ही, जी वो कलाकार भले ही अभी नहीं है लेकिन उनकी कला है, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू वेरी मच।